बहुत बढ़िया यार, बेस्ट है। आज मैं उसके कलर बेस्ड प्राइमर को मैं मतलब ट्राई कर रही थी, तो आई डिड दिस। विच हेयर कलर यू गेट? सो ये जो है, ये कलर, ये फ्रेंच बालियाज है, इफ आई एम सेइंग प्रोनाउंसिएशन सही, इट्स फ्रेंच बालियाज। तो यहाँ से मेरा कलर किया है, एंड टॉफी टॉफी ब्राउनिश कलर मैं ज़्यादा प्रिफर करती हूँ हेयर कलर में, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है मुझे वो कलर। एंड मेरा कलर ऑलमोस्ट फेड हो चुका है, यू कैन सी कि मतलब यहाँ पे कलर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो ये मुझे चेंज कराना है। मतलब चेंज नहीं, मतलब ये पूरा वापस रूट से वापस सेम मुझे हेयर कलर कराना है। बारबी लाई बीच है, वाह बता। हे नितिभा, इट्स गोइंग गुड, आप बताओ कैसा चल रहा है वहां पे सब? बींग फॉलोइंग यू व्हेन यू हैड 10K फॉलोअर्स, थैंक यू सो मच मुझे अब तक फॉलो करने के लिए। ओ यस, हाँ, एडिसन रे के भी प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है। उनका जो लिप ग्लॉस एंड मस्कारा बेस्ट है, बेस्ट। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि बेस्ट प्रोडक्ट्स है, कभी मतलब इंडिया जल्दी आ जाओ। मैं जितने भी ब्रांड्स वो रिव्यू करती हूँ ना, मैं हर ब्रांड का दिमाग खा चुकी हूँ कि प्लीज़ आओ, प्लीज़ आओ, प्लीज़ इंडिया आओ। मैं हमेशा, मैं रेयर ब्यूटी को भी हमेशा मतलब डीएम करती कि प्लीज़ प्लीज़ मतलब जल्दी आ जाए यार इंडिया, कि मुझे कस्टम्स ना पढ़ना पड़े पीआर बॉक्स के भी, बिकॉज जो भी पीआर भी आता है तो उसके कस्टम्स भी लगते हैं, तो उसका तो पे करना रहता है, तो फिर वो इतना महंगा होता है। छोड़ो, आई थिंक बेस्ट फाउंडेशन फॉर ड्राई स्किन आई वुड से स्मैश बॉक्स, मेबिलिन फिट मी फाउंडेशन, लॉरियल लॉरियल का भी एक फाउंडेशन अच्छा है, पर मैं एक ही बार यूज़ की थी, पर मेरे को बिल्कुल सूट नहीं किया था। लाइक लिजिट मैं ऐसे पूरा क्रैक कर रही थी, पूरा मेरे को, मेरा स्किन बहुत ऑयली है, ऑयली टाइप स्किन मतलब है मेरा, तो फिर उसके हिसाब से मुझे प्रोडक्ट्स, मैं सब कुछ ले लेती हूँ, फिर मैं जब ट्राई करती हूँ तो फिर पता चलता है कि यहाँ से पूरा क्रैक हो चुका है, यहाँ से ये हो गया, वो हो गया, गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। ऑल्सो गिव अवे के बारे में मुझे भी बताना था कि जो आई शेडो दो पैलेट्स जो हैं हुडा के, बता दें एक्चुअली मुझे पीआर में मिला, एंड द थिंग इज मेरे पास ऑलरेडी है वो, मैं आई शेडो दुबई में जब गई थी तो मैं जब भी लॉन्च ही किया था उन लोग ने तब मैं दुबई में ही थी, तो मैं तुरंत खरीद ली थी वहाँ पे, तो आई ऑलरेडी हैव दिस। एंड सेम गोज टू मर्क्यूरी पैलेट भी, तो ये भी मुझे, मैंने दुबई में जब लॉन्च हुआ तब मैंने ले लिया था, नाउ उन लोग ने मुझे जब इंडिया में भी आया तो उन लोग ने मुझे पीआर में भेजा, तो आई हैव लाइक एक्स्ट्रा आई शैडो पैलेट्स, सो मैं इसको गिव अवे करने वाली हूँ, तो उसका मैं नेक्स्ट पोस्ट जो भी मैं करूँगी उसके अंदर मैं इंक्लूड करूँगी इसको, एंड ये अलग अलग मिलेगा, एक ही जन को दो नहीं मिलेगा, तो ये दो विनर्स को मिलेंगे, तो यस। एंड मैं एक बड़ा गिव अवे करने वाली हूँ जिसमें जो लाइट्स में मैं यूज़ करती हूँ, जो ग्लैमकोर के जो दो वाले हैं, तो वो लाइट्स एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है, तो आई थॉट मेरे पास एक और किट मैंने मंगवाया है फॉर यू गाइज, क्योंकि मैं वो बड़ा गिव अवे रखने वाली हूँ वो चीज़ का, सो वन ऑफ यू लकी विनर्स विल गेट दैट। तो मैं बड़ा किट बना रही हूँ कि लाइक फुल कॉन्टेंट क्रिएशन किट, तो आई कॉन्ट वेट फॉर इट, जब भी वो आएगा तो मैं उसको अच्छे से मतलब वो करके करने वाली हूँ सॉर्ट।
सो यस नहीं मैं किसी की वीडियोस नहीं देखती जो आप बता रहे हो, लाइक मैं नहीं देखती किसी की वीडियोस. आपकी सुपति का राज नहीं ट्रीटमेंट ऑफ बम्स, जो हेड बम्स में जो आते हैं वो एक्ने वाले, वो उसका कुछ नहीं, बस उसका जो आप जो क्लेंजर यूज करते हो वो सैलिसिलिक एसिड का होना चाहिए, एल्स वो नहीं तो हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए आपकी फेस वॉश में. एंड उसको अच्छे से मतलब डबल क्लेंजिंग करना है रात को, क्योंकि उससे ही मेरा ठीक हुआ है. क्योंकि मेरे को अभी भी पता है कि मैं पहले डबल क्लेंज नहीं करती थी, मैं अपना पिलो चेंज नहीं करती थी, तो मैंने सिल्क का पिलो कवर लिया है जिससे मेरा स्किन सही रहता है, मेरे बाल के लिए भी सही रहता है, उसमें कुछ सीन है तो फिर वो. एंड मैं नीति अरे सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मैं बताती हूँ कौन सी लाइट के बारे में बात कर रही थी मैं. सो सो ये लाइट जो मैं यूज करती हूँ, तो ये स्पेशली मेकअप के लिए ये लाइट्स बने हैं, ये एंड ये. सो मैंने वो दो मंगवाई है फॉर यू गाइस, क्योंकि मैं वो गिव अवे करने वाली हूँ, क्योंकि इसका मेरे पास है मतलब कोड है दैट यू कैन यूज माय कोड एंड गेट लाइक 15-20% ऑफ. बट आई थिंक मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक 35,000 का हुआ एक वो है. सो आई थॉट कि बहुत एक्सपेंसिव है, एंड अगर कोई सोच रहा है इन्वेस्ट करने तो अभी ये मत करो, जब भी आगे जाके लाइक इन्वेस्ट करना है तो करना, बता रही हूँ, नहीं तो फिर रिंग लाइट जिंदाबाद, एल्स तो मत करना. तो फिर मैं सोची कि गिव अवे करते हैं. तो ये एक है, उसमें दो लाइट्स और आएगी लाइक इंडिविजुअल्स, फिर उसमें और थोड़े बहुत मेकअप के प्रोडक्ट्स मैं रखूंगी. मुझे मेरे पास बहुत सारे अभी मतलब पीआर की मतलब है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो मैंने साइड में रखे हैं, तो लाइक आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड, तो इसीलिए स्टे ट्यून. मैं कभी भी मैं ऐसे डाल सकती हूँ गिव अवे, तो फिर यस. व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट योर ब्रांड? वो कुछ मतलब कुछ है इस पे चल रहा है कुछ ना कुछ, तो या जल्दी कुछ ना कुछ आएगा आपके पास, आपकी हाथों में. तो या उई ये क्या हो गया? प्लानिंग टू गो रियलिटी शो? ना, रियलिटी शो इज नॉट कप ऑफ माई टी. पता चला भाई मैं वहां पे जाके बस हंस रही हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं वहां पे बैठ के बस मेरा मेकअप कर रही हूँ और कुछ नहीं. तो या नो, इज इट गोना बी इंटरनेशनल गिव अवे? विल ट्राई, क्योंकि यहाँ से वो बाहर भेजने को भी बहुत स्ट्रगल है थोड़ा, तो वो अभी डिसाइड नहीं किया है मैंने और मेरी टीम ने. तो मोस्टली इंटरनेशनल होगा और विल ट्राई, हम देख रहे हैं अभी, कुछ प्रॉमिसेस नहीं है वो चीज़ में. बट आई एम गोइंग टू LA दोबारा, आई एम गोइंग टू LA सून, वेरी सून. बस आई एम वेटिंग फॉर माई सेकेंड वैक्सीनेशन, मतलब मेरा सेकेंड वैक्सीनेशन डोज लगेगा, पूरा वैक्सीनेटेड हो जाऊंगी अच्छे से, देन आई एम गोना बी देयर. मैंने वैक्सीन लास्ट मंथ ही करवाया था लाइक पहला वाला, तो अभी जो मेरा नेक्स्ट डोज है वो सितंबर में है, तो सितंबर फर्स्ट वीक में मेरा वो होगा, फिर देन आई हैव टू वेट फॉर लाइक 15 डेज एंड देन आई कैन गो एंड यू नो ट्रैवल. तो या इसलिए अभी कुछ ट्रैवल प्लान्स कुछ भी अभी इंटरनेशनल सब कुछ बंद है ये चीज़ की वजह से, बिकॉज कुछ कुछ कंट्रीज खुली है फॉर ट्रैवलिंग,
बट आई एम लाइक कि नहीं, रिस्क नहीं लेना मुझे फोकट, तो इसलिए पूरा वैक्सीनेटेड होके ही जाऊंगी मैं. एंड काम की रिलेटेड ऐसे टाइम पास नहीं, तो या कमिंग टू दुबई. दुबई तो अभी नेबर ही हो गया, मैं इतनी बार आ चुकी हूँ दुबई, ऐसा लगता है कि सेकंड घर. हाउ टू गेट काइली जेनर मेकअप इन इंडिया, उनके साइट पे भी मिलता है, सिंपल उनके साइट पे जाओ. क्योंकि मोस्टली अभी जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन लोग ने ग्लोबल कर लिया है, सिवाय फेंटी, रेड ब्यूटी और दो तीन ब्रांड है जो अभी तक नहीं हो रहे, मतलब होने वाले है बाय एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा वो, क्योंकि मैंने उनका दिमाग बहुत खाया. तो यस वो हो जाएगा, बट मोस्टली मैं हर जो भी ब्रांड मुझे पीआर में, मोस्टली मुझे पीआर में ही मिल रहा है. आई एम सुपर थैंकफुल फॉर दैट कि मुझे मुझे बाय करना नहीं पड़ रहा है, लाइक मुझे सिर्फ ये लोग भेज रहे हैं क्योंकि मेरे मेहनत की वजह से, क्योंकि वो मेरा कंटेंट देखते हैं, उनको मेरा कंटेंट पसंद आता है, फिर जाके वो लोग भेजते हैं. ऐसे कोई भेजता नहीं ऐसे कि हूँ